हेलो भाई, मैं हूँ मोहम्मद आज़म। तो आज हमारे सामने खड़ी है टोयोटो हाई राइडर अर्बन क्लूज़र। हाई राइडर टोय से बोलता है। इसका प्राइस आपको मिल जाता है 14,49,000। इसका एक शोरूम पड़ेगा हिमकणे अपने दलपतपुर कॉमर्शियल टोयोटो में। इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें 17,21,000 का। यहीं पर अगर इसके इंजन की बात करते हैं 1462 cc का इसका इंजन मिल जाता है। जनरेट कर देता है 101 bhp। ये हमारा नॉन हाइब्रिड है, इसमें एक आपको हाइब्रिड भी मिल जाता है। पूरी रियर से प्रोफाइल गाड़ी की कुछ रहेगी, यहाँ पे इसमें मिल जाता है। न्यू ड्राइव के नाम से इसका वेरिएंट आ चुका हमारा जी, यहाँ पे मिल जाता है। GMT है तो ये पूरा कुछ रियर से प्रोफाइल ये है। ग्रांड विटारा की कॉपी भी हम इसे बोल सकते हैं। जो हमारी ग्रांड विटारा आती है मारुति की, वो भी सेम गाड़ी लगती है हमारी दोनों की बात करें। की भी ऐसी ऐसी मारुति की आता है, दोनों में गाड़ी तो एक ही है, कंपनी का लोगो वगैरह चेंज है। बिल्ड क्वालिटी तो पूरी गाड़ी से प्रोफाइल मिलेगी, गाड़ी की कुछ ऐसी मिल जाती है। इसमें आपको टोयोटो का लोगो मिल जाएगा बीच में। इसकी लाइट की हम बात करते हैं तो इसका इंडिकेटर कुछ ऐसे ब्लिंक करते ही हैं। यहीं पर नीचे इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट मिल जाएगी, DRL वगैरह सब इसमें ऊपर ही मिलेगी। और ग्रिल की अगर बात करें ग्लोसी ब्लैक में मिलेगी, पियानो ब्लैक इसे बोलती है टोयोटो डुअल। यहीं पर इसके बम्पर पर बात करते हैं, जितनी बड़ी स्क्रिप्ट प्लेट मिल जाएगी, स्पोर्टी स्क्रिप्ट प्लेट इसे टोयोटो बोलती है। ग्रे के कॉम्बिनेशन में कलर जो हमारा आसमानी के नाम से कह सकते हैं, सही ग्रे में मिल जाएगी। ग्लोसी ब्लैक पूरी ग्रिल है, टोयोटो का लोगो है, क्रोम इसमें पूरा जाता ही है। और गाड़ी की साइड से हम बात करते हैं तो जो इसके साइड मिरर मिलेंगे वो इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल एडजस्टेबल दोनों मिल जाएंगे आपको। सिक्वेंशियल इंडिकेटर इस पर मिल जाएगा। यहीं पर टायर साइज की अगर बात करते हैं तो कुछ अपोलो का इसमें टायर मिलेगा। प्रोफाइल रहेगी इसकी 215/60R 17 in का इसमें टायर है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में भी इसमें आपको डिस्क ब्रेक ही मिलेगा, ड्रम ब्रेक नहीं है। टॉप वेरिएंट हम इसे कह सकते हैं। प्राइस हमने आपको गाइड कर ही दिया था। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर की असेंटली कुछ आता ही है, पूरी कुछ ये है प्रोफाइल। अगर रियर से बात करते हैं गाड़ी की भाई, तो रियर में आपको इसमें रियर वाइपर मिल जाएगा, डिफोगर मिल जाएगा, हाई स्पीड स्टॉप मिल जाएगा, सार्फिंग एंटीना मिल जाएगा, कॉमर्शियल टोयोटो की वैसिंग मिली जाएगी जो टोयोटो लगा के देता है। और जो रियल लाइट है इसमें आपको कनेक्टिंग मिलेगी पूरी यहाँ पे ऐसी, स्मोक ब्लैक में से बोल सकते हैं हम। इसी में अगर नीचे बढ़ते हैं तो इंडिकेटर मिल जाएगा, रिवर्स मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर इसमें आपको छोटे मिल जाएंगे इधर लेफ्ट में और राइट में। रियर बम्पर पे भी इसमें आपको स्क्रिप्ट प्लेट को जितनी बड़ी मिल जाएगी। पार्किंग सेंसर की अगर बात करते हैं 4 मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4। ग्राउंड क्लियरेंस तो एक SUV है ही, तो उस SUV के हिसाब से ठीक है भाई। क्लेडिंग वगैरह पूरी गाड़ी पर आपको मिलेगी। चलो गाड़ी का हम अंदर से दिखाते हैं आपको, अंदर से क्या क्या मिल जाता है गाड़ी में। तो सबसे पहले इसके डोर की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा इसमें डोर मिल जाएगा जिसमें आपको सॉफ्ट टच यहाँ पे मिल जाएगा। पियानो ब्लैक मिलेगा, लॉक अनलॉक, साइड मिरर, ऑटो फोल्डेबल, ऑटो एडजस्टेबल दोनों मिल जाएंगे। स्पीकर मिल जाएगा, बोतल होल्डर, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिल ही जाएगा। बाकी जो भाई इसका पूरा डैशबोर्ड मिलेगा कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें। टोयोटो का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा इसमें, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले इसमें आपको दोनों मिल जाएंगे। इसके मीटर की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा मीटर मिल जाएगा इसमें। अभी गाड़ी स्टार्ट है तो इसका RPM जो जा रहा है 1000 तक जा रहा है, 8000 इसमें RPM मिलेगा, 220 इसकी स्पीड मिल जाएगी क्योंकि गाड़ी धूम में खड़ी है। तो AC देखो ऑन है गाड़ी का, AC भी ठीक ठाक वर्क कर रहा है। स्टीयरिंग की हम बात करते हैं पूरे तो ऐसा स्टीयरिंग मिलेगा, कोई भी डीकट वगैरह नहीं होगा, नॉर्मल से होगा। इसमें थोड़ा ही ग्रे का काम मिल जाएगा। यहीं पर अगर इसमें और बात करें हम स्टीयरिंग में, तो वाइब्रेशन तो नहीं फील हो रहा गाड़ी में कुछ भी, ठीक है। रिफाइंड इंजन है, टोयोटो की रिलायबिलिटीज के लिए जाने जाता है टोयोटो अपनी। 1000 lamp का ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा जो ऐसे लिफ्टिंग इसमें सो ही जाता है। अगर मीटर में हम और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं भाई, तो ये मिल जाएगा टॉर्क वगैरह इसमें दिखाने के लिए, ब्रेक, इंजन, मोटर वगैरह सब इसमें दिखाएगा, कितनी गाड़ी में पावर है, एवरेज क्या सो हो रहा है, क्रूज कंट्रोल इसमें आपको इधर मिल जाएंगे। अगर स्टेयरिंग की हम बात करते हैं इसमें आपको टिल्क मिल जाएगा, टेलीस्कोप नहीं आएगा, ओनली ऑन टिल्क मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो मिलेगा वो काफ़ी बड़ा मिल जाएगा, 10 in का है पूरा। वाईफाई, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह, वॉइस असिस्टेंट वगैरह सारे फीचर मिलेंगे। डैशबोर्ड में भी जो पियानो ब्लैक की टचेस दे दी है काफ़ी अच्छी लग रही है। सॉफ्ट टच में यहाँ पर आपको डैशबोर्ड इतना मिलेगा, इधर सॉफ्ट टच मिल जाएगा, इधर थोड़ा इतना सॉफ्ट टच मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन के और पास में क्रोम का काम मिलेगा। बाकी हेडलाइट के कंट्रोल इसमें आपको इधर मिल जाएंगे, वाइपर कंट्रोल मिल जाएंगे इधर। अगर यहीं पर हम नीचे बात करते हैं पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, ट्रैक्शन वगैरह मिल जाएगा आपको, 12 volt का सॉकेट इधर मिलेगा, USB आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। 5 manual ट्रांसमिशन के साथ आती है नॉर्मल सी। यहाँ पे भी इसमें आपको थोड़ा पियानो ब्लैक का टचेस मिल जाएगी, बाकी थोड़ा एक स्पेस यहाँ मिल जाएगा। आर्म रेस्ट की इसमें बात करते हैं, इतना बड़ा आर्म रेस्ट मिल जाएगा, 2 cup holder यहाँ पे मिली जाएंगे। और इधर ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, तो ठीक ठाक है ग्लव बॉक्स भी इस रेंज में। नाइट विजन के साथ में आपको IRVM मिल जाएगा, ऑटो डिमिंग हम यहीं से कर सकते हैं, सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा, सनरूफ नहीं आएगा इसमें, इससे ऊपर वेरिएंट में आएगा, रूफ में लाइट मिल जाएगी LED। IRVM की अगर बात करते हैं मिरर लाइट दोनों हैं इधर, पैसेंजर साइड भी, ड्राइवर साइड बात करें इधर भी दोनों चीज़ें हैं। ये पूरा कुछ ऐसा डैशबोर्ड है ही भाई इसका। इस यहाँ पर ट्विटर आपको इधर मिल जाएंगे, दोनों तरफ आपको ट्विटर वगैरह मिल जाएंगे। एयरबैग की अगर बात करते हैं गाड़ी में, तो एयरबैग भी मिल जाएंगे इसमें, 6 airbag का साइड मिलता है, 2 यहाँ मिल जाएंगे, पीछे मिल जाएंगे। बाकी अगर सीट की बात करें तो सीट में इसमें आपको फाइबर की सीट मिलेंगी, क्वालिटी ठीक ठाक है,
बाकी यहीं पे नीचे इसमें बोनट फ्यूल डालने के लिए आप यहीं खोल सकते हैं। चलो हम गाड़ी की सेकंड डोर से और दिखाते हैं आपको सेकंड डोर में इसमें क्या मिल जाएगा हमें। डोर इसका खोलते हैं पूरा। सीट की अगर बात करें थाई सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा, आप यहीं से इसका थाई सपोर्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे रिक्लाइंड वगैरह दोनों कर सकते हैं। कोई भी सन वाइजर वगैरह रेन वाइजर कुछ नहीं आएगा गाड़ी में। बाकी भाई सेकंड डोर की अगर डोर की हम बात करते हैं तो ऐसा डोर इसमें आपको मिल जाएगा, इसमें भी सॉफ्ट टच मिलेगा, पियानो ब्लैक मिल जाएगा, विंडो का स्विच मिल जाएगा, यहीं पे आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। और जो टॉय टो की एक और खासियत है वो की मेरे हाथ में, अगर मैं इसकी विंडो अप डाउन कर रहा हूँ तो हो रही है, नहीं तो नॉर्मल गाड़ी में होता है कि इग्निशन अगर आपको ऑन करना पड़ेगा तब ये चीज़ होती है, बट इसमें कंपनी ने सब चीज़ें कर रखी हैं। स्पीकर मिल जाएगा, बोतल होल्डर वगैरह। अगर सेकंड डोर से स्पेस की बात करता हूँ तो जैसा हाइट 5 फीट 6 इंच है उस हिसाब से ठीक ठाक है स्पेस भी गाड़ी में। बाकी यहीं पर नीचे अगर बात करते हैं तो इसमें आपको एक USB के लिए मिल जाएगा, एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। देखो टोयोटा ने काफ़ी ध्यान रख के गाड़ी बनाई है। पीछे भी आपको फैन के कंट्रोल मिल जाएंगे, इसको आप यहीं से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी रूफ में लाइट मिल जाएंगी, ग्रिप हैंडल मिल जाएंगे, एडजस्टेबल हेड रेस्ट फ्रंट में मिलेंगे, सेकंड डोर में भी एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिलेंगे इसमें आपको, बीच में भी आर्म रेस्ट वगैरह है, आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा इसमें सेकंड डोर में आपको। सीट तो ठीक है ही, पूरा ऐसा डैशबोर्ड है ही इसका। और जो प्रीमियम सी चीज़ लग रही थी, कितना प्रीमियम डैशबोर्ड लग रहा है हर गाड़ी की। और रियर बूट की बात करता हूँ भाई, बूट में इसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा तो अगर मैं बूट आपको खोल कर दिखाऊँ गाड़ी का, तो बूट स्पेस जो है एक SUV के हिसाब से ठीक है, पूरा फ्लैट में मिल जाएगा, इसमें कुछ भी सामान कैरी करने में काफ़ी आसानी होगी। स्पेयर व्हील की अगर इसमें हम बात करते हैं, स्टील रिम के साथ में आएगी, प्रोफाइल सेम है बट स्टील रिम आएगा, और जो आएंगे वो इसमें अलाउ व्हील आएंगे। यहीं पर 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें आपको इधर मिल जाएगा, पावर का इसमें आप हवा भरने के लिए, यहाँ पर बूट में लैंप मिल जाएगा, पार्सल ट्रे कंपनी से मिल जाएगी, बूट बंद करने के लिए यहीं पे मिलेगा। तो कुछ यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।